नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिनभर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के सुंचवा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी ढेर, एक जवान शहीद, 11 घायल। सिंधनटाप में फंसे 16 लोगों को सेना ने 15 किलोमीटर पैदल चलकर सकुशल बचाया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जम्मू शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, जगह जगह नाके लगाकर हर आने जाने वाले पर रखी जा रही पैनी नजर। और पल्ली पंचायत में प्रधानमंत्री की रैली तक पहुंचने के लिए 1700 बसों का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू आगमन से 2 दिन पूर्व जम्मू के सुंचवा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। इस मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। एक जवान भी शहीद हो गया है, जबकि 6 जवान घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह 4:25 पर आतंकियों ने चट्ठा कैंप के समीप CISF की बस पर अचानक ग्रेनेड से हमला कर दिया। बस में 15 CISF के जवान सवार थे। इस हमले के तुरंत बाद दोनों आतंकी छिप गए। इस हमले के उपरांत आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हो गई और 5 घंटे के उपरांत दोनों को ढेर कर दिया गया। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने मुठभेड़ के दौरान दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया की जानकारी साझा की। जम्मू जोन के ADGP मुकेश सिंह के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि आतंकी जम्मू में अपने नापाक हरकत को अंजाम देने की फिराक में है। फिलहाल खतरा टल गया है, दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पहले ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें ने एक्शन इनिशिएट किया और जवाबी कार्रवाई में वो टेररिस्ट जो है वो एलिमिनेट कर दिए। तो सर बता चुके हैं कि ऐसा हम महसूस करते हैं जैश या लश्कर से। और सर अभी क्योंकि बड़ा सेंसिटिव एरिया है सुंजवा कैंप, साथ में पहले भी अटैक हो चुका है, कोई और प्रेजेंस या कुछ ऐसा इस तरह के इनपुट्स आपके पास? हमने अपने प्रिकॉशंस रखे हुए हैं और जिस किस्म के इनपुट्स आएंगे उनको जैसा आपने देखा है सिक्योरिटी सक्षम है इफेक्टिवली। और ये भी सुन रहे हैं कि बट कुछ देर के बाद कर पाऊंगा। आखिरी सवाल किस आपने की? हमने अपनी तरफ से वी हैव गिवन आवर ऑप्शन बेस्ट इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस। किश्तवाड़ के सिंथन टॉप में 12,000 फुट की ऊंचाई पर बर्फबारी में फंसे 16 लोगों को सेना के जवानों ने 15 किलोमीटर पैदल चलकर सकुशल निकाल लिया। नागरिक प्रशासन को वीरवार लगभग 3 बजे सूचना मिली थी कि 16 नागरिक भारी हिमपात के बीच सिंथन दर्रे के पास NH-244 पर फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही सिंथन मैदान से सेना के जवानों का एक बचाव दल नागरिकों को बचाने के लिए रवाना हुआ। टीम लगातार बर्फबारी और शून्य दृश्यता के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर शाम करीब 6:15 पर नागरिकों के पास पहुंची। बचाव दल सभी लोगों को सिंथन मैदान लेकर पहुंचा, जहां उन्हें दवा, भोजन और आश्रय प्रदान किया गया। सेना के जवानों की त्वरित कार्रवाई से उन सब की जान बच गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के रिश्वत की पेशकश के आरोपों पर केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने जांच तेज करते हुए वीरवार को जम्मू कश्मीर से केरल तक छापेमारी की। जांच टीमों ने जम्मू, श्रीनगर, मुंबई, तिरुवनंतपुरम और बिहार के दरभंगा में 14 प्रतिष्ठानों पर छापे मारे। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नौकरशाह नवीन कुमार चौधरी के अलावा चिनाब वैली पार प्रोजेक्ट के पूर्व प्रबंध निदेशकों और निर्माण एजेंसी पटेल इंजीनियरिंग से जुड़े अफसरों के घर व कार्यालयों को भी खंगाला गया। वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पिछले वर्ष राजस्थान में एक कार्यक्रम में 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश के आरोप लगाए थे। इसमें उन्होंने रिलायंस इंश्योरेंस का जिक्र करते हुए एक नेता पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सिफारिश पर CBI ने 2 FIR दर्ज की थी। एक FIR जम्मू कश्मीर के अधिकारियों व कर्मियों की सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना का वर्ष 2017-18 के दौरान रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और उसे 60 करोड़ जारी करने के कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। दूसरी किरु जल विद्युत परियोजना में 2,200 करोड़ के सिविल कार्य के ठेके के आवंटन से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर 24 अप्रैल को सांबा जिले के पल्ली पंचायत में प्रधानमंत्री मोदी की रैली तक लोगों को पहुंचने के लिए 1700 बसें लगाई गई हैं। इन बसों से पंचायत प्रतिनिधियों, केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों समेत उन लोगों को लाया जाएगा।
रैली में करीब 1,00,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इस बीच प्रशासन ने जम्मू समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों की गश्त बढ़ा दी गई है। विशेष नाके भी लगाए गए हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद मोदी का ये जम्मू कश्मीर का पहला आधिकारिक दौरा और पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। अलबत्ता ये वर्ष 2020 और 2021 में सैन्य कर्मियों संग दिवाली मनाने जरूर आ चुके हैं। पल्ली में हो रहे रैली से वे देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को वर्चुअल मोड से संबोधित करेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा पूरी तरह सक्रिय है, तो वहीं सरकारी विभाग भी तत्पर है। वीरवार को मौसम का मिजाज बदलने से गेहूं के किसानों की चेतना बढ़ गई। सब सेक्टर रामगढ़ में जो किसान फसल को कंबाइन मशीनों से समेटने में जुटे हुए थे, उन्हें भी तेज हवा व हल्की बारिश से काम रोकना पड़ा। काटी गई फसल निकालकर खेतों में डंप की थी। बारिश से किसान मायूस थे। हालांकि सब सेक्टर रामगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में गेहूं की कटाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। करीब एक हफ्ते से फसल कटाई के काम में आई तेजी की वजह से प्रतिशत फसल सिमट चुकी है। जो काम बाकी है वो भी अगले कुछ दिनों तक पूरा होने की संभावना है, लेकिन मौसम में बदलाव से चिंता बढ़ी है। किसान चौधरी प्रेमलाल, सरपंच कालिदास, सरपंच रूपचंद, सरपंच सुरजीत सिंह, सरपंच भारत भूषण ने कहा कि इन दिनों बारिश का होना किसानों के लिए मुसीबत का बढ़ना है, और अगर बारिश के साथ आंधी व ओलावृष्टि का दौर शुरू हो जाए तो जो खेतों में खड़ी फसल को नुकसान होता है। उधर पंजाब से कंबाइन मशीनें लेकर आने वाले भी जल्दी काम करके पूरी तरह से अपना काम निपटा कर जल्दी लौटना चाहते हैं। आगामी 24 अप्रैल यानी रविवार को सांबा के पल्ली गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर वैसे तो पूरे देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी कड़ी में कठुआ जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए पुलिस ने जगह जगह हाईवे पर नाके लगाकर प्रदेश में आने वाले वाहनों को रोककर चेक करना शुरू कर दिया है। विशेषकर गत दिवस 5 संदिग्ध मिलने के बाद पुलिस और अलर्ट हो गई है। पड़ोसी जिले में पीएम की रैली से जिला कठुआ पुलिस ने सुरक्षा को लेकर पहले ही बैठक करके तमाम जिले के अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके चलते लखनपुर से लेकर लोंडी तक कठुआ पुलिस की हद में पड़ते हाईवे पर अभी भी तैनात पुलिस जवानों ने वाहनों की चेकिंग करना शुरू कर दी है। आतंकवाद को मानवाधिकार का सबसे बड़ा रूप बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई मानवाधिकारों के विपरीत नहीं हो सकती कहा। उन्होंने कहा कि देश भर में आतंकियों के समर्थकों का डाटाबेस तैयार हो रहा है। इसके साथ ही मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी, हवाला, नकली नोट के धंधों से जुड़े अपराधियों का डाटाबेस तैयार करने का काम भी चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 13वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित के दौरान कहा, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने में एनआईए की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई मानवाधिकारों के विपरीत नहीं हो सकती। आतंकवाद का समूल नाश मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रिजर्व कैटेगरी ऑफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए कमेटी के सदस्यों ने कहा कि जम्मू सुंजवा में आतंकियों द्वारा किए गए सैनिकों पर हमले की कड़ी निंदा करते हैं, और उन्होंने कहा कि सरकार को इन आतंकियों का जल्द से जल्द जड़ से खात्मा करना चाहिए ताकि इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल सके। वहीं 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के जम्मू दौरे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए सभी वादे पूरे नहीं किए गए हैं, जिसकी वह निंदा करते हैं, और उन्हें उम्मीद है कि इस दौरे के दौरान वे अपने वादे पूरे करेंगे जिससे लोगों को राहत मिलेगी। आज दहशतगर्दी जो है ये खत्म हो गई है या हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली देखने में अब ये आ रहा है कि ये सारा जो है ये झूठा। अब इसको कंडम करने के बाद मैं आपको ले चलूं अपनी उन डिमांड्स की तरफ
जिनकी वजह से आज हमने ये प्रोटेस्ट रखा हुआ था और जिसको डेफर कर दिया हमने, तो कुछ एक हमारी मेन डिमांड्स हैं उनको लेकर के हम बहुत देर से जो है ये जूझ रहे हैं। और इस मौके पे चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यहाँ पे आ रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो हम आपके माध्यम से उन तक अपनी जो है ये समस्याएँ जो हैं वो पहुँचाएँगे, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि वो जो रैली 24 अप्रैल को यहाँ पल्ली गांव साबा डिस्ट्रिक्ट में होने जा रही है, हम उम्मीद करते थे, अपील करते थे उनसे कि वो यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको एक डायरेक्शन दें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए, उनको वो फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट कर दें। आपको मैं मुहातब करवा दूँ कुछ एक मेन डिमांड जो हैं, जिनमें पहली हमारी आती है रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन। इसका मैं आपको बताते चलूं कि आज तकरीबन मेरा 7 साल के आगे पीछे होने लगा है, हम इस समस्या को लेकर के जूझ रहे हैं, वो चाहे यहाँ की विजन कश्मीर द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए विजन के अध्यक्ष सुनील फोतेदार ने कश्मीरी पंडितों को पेश आ रही समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बातें तो की जाती हैं, पर उस संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को राहत राशि दी जा रही है, लेकिन इसे काफी समय से रिवाइज नहीं किया गया और इस राहत राशि में उनका गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने इस राहत राशि को बढ़ाकर उनकी अन्य मांगों को भी पूरा करने की मांग की। 50 रुपए की राहत राशि में जो इंसान 4,000 की दवाइयां खाता हो, उसकी मेडिकल कंसल्टेशन हो, उसकी डायग्नोस्टिक्स भी हो, उसके बाकी चीज हो, कहां से चल रहा है? वक्तन डायमन अगेन हमने अपने ज्ञापनों के द्वारा ये हमने दिया हुआ मेमोरेंडम के द्वारा अपने अधिकारियों तक पहुंचाई बात, लेकिन बहुत दुखी बात है, बहुत बड़ना है कि आज की देर तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। राहत सवाल राहत राशि का, ये राहत राशि जो है हर 3 वर्ष के बाद जो प्रेसिडेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हर 3 वर्ष के बाद ये जो है ये बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। आज 3 वर्ष और 10 महीने हो गए, सबको पता है कि इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई कितनी है, महंगाई में इस 3250 प्रति माह व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या तो हमें पुनर्वास किया जाए। देखिए पार्लियामेंट्री स्टडी कमेटी रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि महंगाई दर के साथ इनकी रिसोर्सेज में भी बढ़ोतरी हो, लेकिन आज तक वो चीज ना हो पाई। इसीलिए हम ये मांग करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम ये पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।